तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप यूट्यूब वीडियो की कैटेगरी कैसे चूज कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। मैंने YT स्टूडियो क्रोम से ओपन कर लिया है। यहां पर सर्चिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल लेटेस्ट वीडियो एवरीडे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, वहाँ से मेरी वीडियो को विजिट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट पर चले जाएंगे। अपलोड डिफ़ॉल्ट पर जाने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप कैटेगरी का ऑप्शन देख पाएंगे और यहाँ से अपनी मनपसंद कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं तो उस टॉपिक को यहाँ पर चूज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद मैं सेकंड ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो अपना YT स्टूडियो ओपन कर लें, क्योंकि एवरी डे यहाँ पर आप वीडियो अपलोड करते होंगे और इसकी डिटेल देखते होंगे वीडियो की। जो यूट्यूबर होंगे उनके में YT स्टूडियो ज़रूर होगा। तो यहाँ से मैं एडिट वाले ऑप्शन पर चला जाऊँगा एक वीडियो को उठाकर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कैटेगरी, तो यहाँ पर प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी यहाँ से भी चूज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, इस सेटिंग का ज़रूर उपयोग कीजिए और अपने चैनल्स को ग्रो करिए। व्यूज व सब्सक्राइबर भी इस सेटिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी नहीं होगी तो आपके वीडियो कि जो रीच है वो डाउन हो जाएगी। आप अपनी कैटेगरी को ज़रूर सबसे पहले चूज कर लीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल की कैटेगरी को। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।